हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको स्टडी कर रहे हैं और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिया में जो एनर्जी मिनरल्स हैं उनके बारे में। और एनर्जी मिनरल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल, ठीक है, कोल क्या है? एक एनर्जी मिनरल है। कोल इज़ सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कोल इज़ मेनली यूज्ड एज ए फ्यूल प्रोड्यूसिंग हीट एंड एनर्जी। कोल इज़ रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड एनिमल्स फॉसिल्स एक्यूमुलेटेड इन सेडिमेंट्री रॉक बाई ए डिफरेंट मैथड। कोल क्या है? कोल इज़ ए सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कोल इज़ मेनली यूज्ड एज ए फ्यूल प्रोड्यूसिंग हीट एंड एनर्जी। कोल इज़ रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड एनिमल्स फॉसिल्स एक्यूमुलेटेड इन सेडिमेंट्री रॉक बाई ए डिफरेंट मैथड। कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस। नंबर वन, गोंडवाना। गोंडवाना इज़ है 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। नंबर टू, टर्शियरी। टर्शियरी इज़ है 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस। फर्स्ट वन इज़ गोंडवाना, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। सेकेंड वन इज़ टर्शियरी, 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। गोंडवाना कोल इज़ हाई क्वालिटी कोल विद लो ऐश कंटेंट। गोंडवाना कोल इज़ हाई क्वालिटी कोल विद लो ऐश कंटेंट। वाइल टर्शियरी कोल इज़ लो क्वालिटी कोल। मोस्ट ऑफ द कोल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम दिस रीजन। बिटुमिनस कोल इज़ अबंडेंटली फाउंड हियर। इट हैज़ लो सल्फर कंटेंट। इन कोल फील्ड ऑफ इंडिया मोस्टली कोल फील्ड आर रिलेटेड टू लोअर गोंडवाना। मोर देन अबाउट 90% कोल डिपॉजिट्स एंड प्रोडक्शन हैज़ बीन कवर्ड बाय गोंडवाना कोल। मेजर कोल फील्ड्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर दामोदर वैली, दामोदर वैली कोल फील्ड, सोन वैली कोल फील्ड, महानदी वैली कोल फील्ड, गोदावरी कोल फील्ड, सतपुरा कोल फील्ड, वर्धा घाटी कोल फील्ड एंड राजमहल कोल फील्ड। ये हमने जो गोंडवाना रीजन है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। गोंडवाना कोल इज़ हाई क्वालिटी कोल विथ लो एश कंटेंट, वाइल टर्शरी कोल इज़ लो क्वालिटी कोल। मोस्ट ऑफ द कोल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द गोंडवाना रीजन। बिटुमिनस कोल इज़ अबंडेंटली फाउंड इन गोंडवाना रीजन, ठीक है। इट हैज़ लो सल्फर कंटेंट। इन कोल फील्ड ऑफ इंडिया मोस्टली कोल फील्ड आर रिलेटेड टू लोअर गोंडवाना। मोर देन अबाउट 90% कोल डिपॉजिट्स एंड प्रोडक्शन हैज़ बीन कवर्ड बाय गोंडवाना कोल। मेजर कोल फील्ड्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम्स आर दामोदर वैली कोल फील्ड, सोन वैली कोल फील्ड, महानदी वैली कोल फील्ड, गोदावरी कोल फील्ड, सतपुरा कोल फील्ड, वर्धा घाटी कोल फील्ड एंड राजमहल कोल फील्ड। ये सभी कोल फील्ड क्या हैं? गोंडवाना सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मैप दिया गया है इंडिया का, मेजर कोल फील्ड्स इसमें दिखाए गए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं लिग्नाइट कोल दिखाया गया है और क्या है कालाकोट, और उसके बाद क्या है दार्जिलिंग और नामचिक अरुणाचल प्रदेश में, और माकोम चेरापूंजी में, मेघालय में राजमहल, झरिया रानीगंज वेस्ट बंगाल में, रामगढ़ लखनपुर बोकारो, ठीक है, बोकारो झारखंड में, सिंगरौली सोहागपुर उमरिया मध्य प्रदेश में, और क्या है उमरसार लिग्नाइट कोल, वर्धा वैली सिंगरेनी और नाय वैली लिग्नाइट कोल, ठीक है। तो ये सभी क्या रीजंस हैं जो इंडिया के मैप में बताए गए हैं मेजर कोल फील्ड्स के रूप में। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। रानीगंज कोल फील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन अपर दामोदर वैली विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड ऑफ इंडिया। रानीगंज कोल फील्ड कहाँ है? रानीगंज कोल फील्ड है वेस्ट बंगाल में। रानीगंज कोल फील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन अपर दामोदर वैली विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड ऑफ इंडिया।
Coal is found in a variety of forms depending on the degree of compression and depth and time of burial. There are four major categories of coal based on the carbon content and impurity. Number 1, peat. Number 2, lignite. Number 3, bituminous coal. Number 4, anthracite coal. ठीक है, there are four major categories of coal based on the carbon content and impurity. First coal variety is peat. ठीक है, second is lignite, third is bituminous, fourth is anthracite. ठीक है, these are the four major categories of coal based on the carbon content and impurity. First one is peat, second one is lignite, bituminous and anthracite. ठीक है, carbon content in peat is less than 40%. Carbon content in lignite coal is up to 40 to 55%. Carbon content in bituminous coal is up to 55 to 80%. Carbon content in anthracite, ठीक है, carbon content in anthracite coal is up to 90 to 95%. न्यायवेली, ये क्या है, नेवेली. नेवेली इन तमिलनाडु इज ए प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व. ठीक है, नेवेली इन तमिलनाडु इज ए प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व. और जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट कार्बन है, लिग्नाइट जो कोल है उसमें कितना परसेंट कार्बन रहता है. लिग्नाइट में जैसा कि हमने देखा कि जो कार्बन कंटेंट है वो लिग्नाइट कोल में होता है अप टू 40 to 55%. कार्बन कंटेंट पीट में होता है लेस देन 40%. कार्बन कंटेंट लिग्नाइट कोल में होता है अप टू 40 to 55%. ठीक है, और जो नेवेली है, नेवेली इन तमिलनाडु इज़ ए प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व. कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोल. Coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bituminous coal. Bituminous coal is the most popular coal in commercial use. Bituminous coal is the most popular coal in commercial use. Anthracite. Anthracite is the high quality hard coal. Anthracite is the high quality hard coal. Coal reserves are found chronologically in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal and Madhya Pradesh. Coal reserves are found chronologically in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal and Madhya Pradesh. Leading coal producing states in 2018-19, जो क्या है, प्रोविजनल डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं 2018-19 में, उसमें है फर्स्ट नंबर है छत्तीसगढ़ का. छत्तीसगढ़ में 22.2% का कोल प्रोडक्शन हुआ 2018-19 में. सेकंड नंबर में कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में है उड़ीसा. उड़ीसा में 19.8% का कोल प्रोडक्शन होता है. थर्ड नंबर पर है झारखंड. झारखंड में 18.5% का कोल प्रोडक्शन होता है. फोर्थ नंबर पर है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में 16.3% का कोल प्रोडक्शन होता है. और फिफ्थ नंबर पर है तेलंगाना स्टेट. तेलंगाना स्टेट में 9.9% का कोल प्रोडक्शन होता है. तो लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स 2018-19 के प्रोविजनल डेटा के अकॉर्डिंग कौन कौन है. लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना. छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन करता है इंडिया में. छत्तीसगढ़ में 22.2% कोल प्रोडक्शन होता है. सेकंड नंबर पर है उड़ीसा में. उड़ीसा में कोल प्रोडक्शन होता है 19.8%. थर्ड नंबर पे है झारखंड. झारखंड में 18.5% कोल प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में 16.3% का कोल प्रोडक्शन होता है. फिफ्थ नंबर पर है तेलंगाना. तेलंगाना में 9.9% का कोल प्रोडक्शन होता है. द शेयर ऑफ कोकिंग कोल इन द टोटल कोल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज 5.6% एंड रेस्ट 94.4% इज नॉन कोकिंग कोल. ठीक है, द शेयर ऑफ कोकिंग कोल इन द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया इज 5.6% एंड रेस्ट 94.4% इज नॉन कोकिंग कोल. मेजर कोल फील्ड ऑफ झारखंडार झरिया नॉर्थ कर्णपुरा साउथ कर्णपुरा बोकारो चंद्रपुरा राजमहल गिरिडीह ईटीसी.
मेजर कोल फील्ड ऑफ झारखंड आर झरिया, नॉर्थ कर्णपुरा, साउथ कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल, गिरिडीह ईटीसी। नेक्स्ट है झरिया कोल फील्ड। झरिया कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, झरिया कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। मेजर कोकिंग कोल डिपॉजिट्स आर सिचुएटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। जो झरिया कोल फील्ड है, झरिया कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। मेजर कोकिंग कोल डिपॉजिट्स आर सिचुएटेड इन झरिया कोल फील्ड। इट इज़ स्प्रेड ओवर छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। जो झरिया कोल फील्ड है वो कहाँ पर है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में है। मेजर कोकिंग कोल डिपॉजिट्स आर सिचुएटेड हेयर। इट इज़ स्प्रेड ओवर छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। टोटल कोल प्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ इन 2018-19 प्रोविजनल डेटा वॉज 161,893। ठीक है, टोटल कोल प्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ इन 2018-19 प्रोविजनल डेटा वॉज 161,893,000 टन्स एंड द टोटल स्टोरेज कितना है? 59,907.76 मिलियन टन्स। कोरबा कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन हसदेव रिवर बेसिन इन छत्तीसगढ़। कोरबा कोल फील्ड कहाँ पर है? कोरबा कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन हसदेव रिवर बेसिन इन छत्तीसगढ़। कोरबा कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन हसदेव रिवर बेसिन इन छत्तीसगढ़। कोरबा कोल फील्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड ऑफ छत्तीसगढ़। कोरबा कोल फील्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कोल रिजर्व्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर फाउंड इन तातापानी, रामकोला, मिसरामपुर, सोनहत, बिलासपुर, रीजन ETC। ठीक है, कोरबा कोल फील्ड क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड है छत्तीसगढ़ का। कोल रिजर्व्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर फाउंड इन तातापानी, रामकोला, बिसरामपुर, सोनहाट और बिलासपुर, रीजन ETC। ये क्या है? छत्तीसगढ़ के कोल रिजर्व्स हैं। छत्तीसगढ़ में जो कोल रिजर्व्स हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं तातापानी, रामकोला, बिसरामपुर, सोनहाट, बिलासपुर रीजन में। ठीक है, कोल रिजर्व्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर फाउंड इन तातापानी, रामकोला, बिसरामपुर, सोनहाट, बिलासपुर, रीजन ETC। नेक्स्ट है तालचर। तालचर इज ए मेजर कोल फील्ड ऑफ उड़ीसा, सिचुएटेड इन द वैली ऑफ ब्राह्मणी रिवर इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट। जो तालचर है, तालचर क्या है? एक मेजर कोल फील्ड ऑफ उड़ीसा है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो ब्राह्मणी रिवर है, ठीक है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर स्थित है उड़ीसा में। तालचर इज ए मेजर कोल फील्ड ऑफ उड़ीसा, सिचुएटेड इन द वैली ऑफ ब्राह्मणी रिवर इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट। तालचर कोल फील्ड इज़ मैनेज्ड बाय महानदी कोल फील्ड लिमिटेड विच इज़ ए सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? तालचर के बारे में पढ़ा। तालचर क्या है? उड़ीसा का एक मेजर कोल फील्ड है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? वैली ऑफ ब्राह्मणी रिवर इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट में तालचर स्थित है। तालचर कोल फील्ड इज़ मैनेज्ड बाय महानदी कोल फील्ड लिमिटेड विच इज़ ए सब्सिडियरी कोल इंडिया लिमिटेड। रानीगंज इज़ कोल फील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल। रानीगंज क्या है? एक कोल फील्ड है वेस्ट बंगाल का। कोल फील्ड्स ऑफ वेस्ट बंगाल आर वर्धमान, बाकुंडा, पुरुलिया और वीरभूमि, दार्जिलिंग। रानीगंज इज़ ए कोल फील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल। कोल फील्ड्स ऑफ वेस्ट बंगाल आर वर्धमान, बकुंडा, पुरुलिया, वीरभूमि और दार्जिलिंग। ये सभी क्या हैं? कोल फील्ड्स हैं वेस्ट बंगाल के। वर्धमान, बकुंडा, पुरुलिया और वीरभूमि और दार्जिलिंग, ये सभी वेस्ट बंगाल के कोल फील्ड्स हैं। नामचिक, नामफुक कोल फील्ड ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामचिक नामफुक कोल फील्ड इज़ सिचुएटेड इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नामचिक
नामफुक कोलफील्ड इज सिचुएटेड इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन एंड शेल गैस आर अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोल बेड मीथेन एंड शेल गैस आर अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोल बेड मीथेन इज 90% मोर प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल सीम। शेल गैस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बताया गया है इसमें कि कोल बेड मीथेन एंड शेल गैस आर अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोल बेड मीथेन इज 90% मोर प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल सीम। इसमें क्या है नेक्स्ट है जो क्या है शेल गैस है। शेल गैस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। शेल गैस इज नॉट ओनली ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन बट शेल गैस इज ऑल्सो कंटेन्स मोर देन 86% मीथेन 4% इथेन 1% प्रोपेन एंड वेरियस अदर गैसेज। शेल गैस इज नॉट ओनली ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन बट शेल गैस ऑल्सो कंटेन्स मोर देन 86% मीथेन 4% इथेन 1% प्रोपेन एंड वेरियस अदर गैसेज। यूज रिजर्व्स ऑफ शेल गैसेज फाउंड इन सिंधु गैंगेटिक रीजन आसाम गुजरात राजस्थान एंड कोस्टल रीजन। यूज रिजर्व्स ऑफ शेल गैसेज फाउंड इन जो शेल गैस है उसके ह्यूज रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर हैं। बड़े रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर हैं सिंधु गैंगेटिक रीजन आसाम गुजरात राजस्थान एंड कोस्टल रीजन। ह्यूज रिजर्व्स ऑफ शेल गैसेस फाउंड इन सिंधु गैंगेटिक रीजन आसाम गुजरात राजस्थान एंड कोस्टल रीजन। नेक्स्ट है करेंटली कोल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फेसिंग ए लॉट ऑफ चैलेंजेस। सम ऑफ देम आर लो क्वालिटी कोल डिफिशियंसी इन कोल वॉशिंग एस्टैब्लिशमेंट। करेंटली कोल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फेसिंग ए लॉट ऑफ चैलेंजेस। सम ऑफ द चैलेंजेस आर लो क्वालिटी कोल डिफिशियंसी इन कोल वॉशिंग एस्टैब्लिशमेंट हायर इम्पोर्ट ऑफ कोकिंग कोल ETC। क्या क्या डिफ़िकल्टीज हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं कोल इंडस्ट्री के लिए इंडिया में। सम ऑफ देम आर लो क्वालिटी कोल डिफिशियंसी इन कोल वॉशिंग एस्टैब्लिशमेंट हायर इम्पोर्ट ऑफ कोकिंग कोल ETC। कोल रिजर्व्स फाउंड इन मेजर स्टेट्स 1 अप्रैल 2019 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज। जो कोल रिजर्व्स हैं इंडिया में जो मेजर स्टेट्स हैं ठीक है 1 अप्रैल 2019 तक उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा जो कोल रिजर्व्स हैं इंडिया में वो पाए जाते हैं झारखंड में। झारखंड में हैं 48,031.93 मिलियन टन्स के कोल रिजर्व्स। सेकंड नंबर पर है उड़ीसा। उड़ीसा में है 39,654.47 मिलियन टन्स के कोल रिजर्व्स। थर्ड नंबर में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 21,446.29 मिलियन टन्स के कोल रिजर्व्स हैं। फोर्थ नंबर पर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 14,219.25 मिलियन टन्स के कोल रिजर्व्स हैं। और फिफ्थ नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 12,182.45 मिलियन टन्स के कोल रिजर्व्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 तक जो कोल रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में हैं मेज़र कोल रिजर्व्स। तो कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा हैं झारखंड स्टेट में। सेकंड नंबर पर उड़ीसा में। थर्ड नंबर में छत्तीसगढ़ स्टेट में। फोर्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल स्टेट में। फिफ्थ नंबर पर मध्य प्रदेश स्टेट में।